ये देख। वाओ। हाय एवरीवन, मैं सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक्चुअली जो मैंने कुछ वीलॉग्स अभी एक दो दिन में पोस्ट किए थे, दिवाली डेकोर और जो हमारा अपहोल्स्ट्री का प्रोजेक्ट मैंने अपलोड किया था उसके बारे में वीलॉग, यानी कि डाइनिंग टेबल की जो चेयर है उसका मेकओवर, तो इस तरीके के मैंने दो तीन वीलॉग्स अपलोड किए थे। तो बहुत सारी मुझे कमेंट्स आई है कि उस वीडियो में एक्चुअली हमारा फिश टैंक दिख रहा है, जो आई थिंक आपको भी हमारे पीछे दिख सकता है। तो सब लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं और जो हमारी फ़िश टैंक है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज का वीलॉग हमारी प्यारी प्यारी जो फ़िश है उनके साथ बनाते हैं और मैं आपको हमारी जो क्यूट क्यूट सी फ़िश है उनसे भी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। और एक्चुअली हम लोग आज हमारा फ़िश टैंक क्लीन भी कर रहे हैं, सो आई वॉन्टेड टू शो कि किस तरीके से क्लीनिंग उसकी होती है। सो एवरीथिंग हाउ टू क्लीन एंड कुछ प्रोडक्ट्स भी हम लोगों ने बाय किए हैं फ्रॉम अमेज़ॉन। सो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन आप मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो पूरा डिस्क्रिप्शन और पूरी डिटेलिंग आपको इसमें मिलेगी फ़िश टैंक को क्लीन कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाती हूँ बैक साइड में, अगर आपने हमारा दिवाली डेकोर देखा होगा तो उसमें हमारे जो लाइक इधर हमने सोफ़ा एंड इधर हमारे रिक्लाइनर्स और इसके जस्ट राइट साइड में हमने हमारा फ़िश टैंक रखा हुआ है। तो एक्चुअली दो टैंक्स हैं हमारे, एक बड़ा है और एक छोटा है। ये बिग वन कितना लीटर होगा गौतम? यू वांट टू से हाय फर्स्ट ऑफ ऑल? हेलो, हाय एवरीवन। तो इसका ओके, सो बड़ा वाला जो हमारा फिश टैंक है वो 10 गैलन का है एंड छोटा वाला हमारा है 5 गैलन। ओके, सो ये हमारा सिर्फ एक फिश है। ओके, सो छोटा वाला जो हमारा फिश टैंक है वो 5 गैलन का है और उसे उसमें सिर्फ एक ही फिश होती है। मैं आपको उस फिश के साथ भी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ उसका, वो थोड़ा अग्रेसिव है। तो सारे फिश के जो ब्रीड बोलते हैं राइट, उनकी जो टाइप है वो भी मैं बताती हूँ कि हमारे पास कितने टाइप के फिश हैं। और तो आप सब इस वीलॉग में हमारी जो फैमिली मेंबर्स हैं ना उन सब से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, हमारे बच्चे एक्चुअली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मैनुअल साइफन। ओके, ये होता है साइफन, ये पाइप है, ये यहाँ पे जुड़ती है और ये है पंप। पंप मतलब मैनुअल पंप। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ से वो पानी खींचता है और ये मैंने एक बकेट रखा हुआ है, इस बकेट में पानी डालता जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हम लोग को ध्यान रखना है कि इनका लेवल क्या है। अगर फिश टैंक नीचे होगा तो ये नॉर्मल फिजिक्स है, पानी ऊपर नहीं आ पाएगा। ओके, ठीक है। और ये छोटा है इसलिए मैंने इसको नीचे रखा हुआ है। अगर ये बड़ा होता, जैसे मैंने बड़ा ऊपर रखा है, तो बड़ा हमेशा कोशिश करते हैं कि ऊपर रखें ताकि इजिली पानी आए, ज्यादा आपको बीच में मैनुअल ना करना पड़े। इस बकेट में पानी ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको करने से क्या फायदा है, हम इसको टैप में ना रन करके इसमें रन करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो फिश टैंक के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर इसको निकाल दिया तो मतलब फिश टैंक फिर से सेट करने वाली बात होगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको गंदे पानी में एक बार रन करके इसको इससे जितना गंद निकाल सकते हैं वो कोशिश करेंगे। हालांकि ये बहुत साफ था तो इसलिए कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। आइडियली इसको छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया फिश टैंक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फिश के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज है अगर फिश टैंक में तो वह बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो ये छोटा वाला टैंक था जिसे हम अभी क्लीन कर रहे थे, जिसमें ये बिट्टा रखा हुआ था, ये क्लीन हो चुका है टैंक। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और बस इसी तरीके से इसके लंबे लंबे पंख होते हैं ये, और जब ये घूमता है इस तरीके से स्विम करता है तो बहुत प्यारा लगता है ये। यहाँ
यहाँ से देख सकते हैं कितने सुंदर लगते हैं इसके पंख, ये काफी ब्यूटीफुल है। और इसी टाइप में, इसी सेम बीटा में ना काफी कलर्स आते हैं। और एक्चुअली ये थोड़ा अग्रेसिव है, इसलिए इसको सेपरेट टैंक में रखा जाता है, और इसलिए हम लोगों ने भी इसे सेपरेट टैंक में रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मोस्टली ये हीटर के पास ही साइड में जाके चिपका रहता है, जो टैंक में जो हीटर लगा हुआ है, जो पानी का लेवल कंट्रोल करता है, टेम्परेचर जो कंट्रोल करता है, तो ये उसी तरफ रहता है हमेशा। तो मोस्टली जब मैं इसे खाना देती हूँ तब ये ऊपर विंडो की तरफ आता है, लेकिन देखते हैं अभी। ये देखिए, वाह कितने सुंदर तरीके से ये बस इसी तरीके से स्विम करता है ये। और अब हम लोग ये जो बड़ा वाला टैंक है इसका भी सेम प्रोसीजर करेंगे। और सेम ये जो देखो, अब लाइट नहीं है तो कितना क्लियरली दिख रहा है। या तो यहाँ पर भी ये जो सेम साइफन बोलते हैं इसे, है ना, तो इसी का इस्तेमाल करते हुए ये जो बड़ा वाला टैंक है इसका पानी इस ब्लू वाली बकेट में निकालेंगे और साफ पानी इसमें ऐड कर देंगे। ये बड़े वाले टैंक में भी जो प्लांट्स दिख रहे हैं ये भी रियल प्लांट्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो इसका ग्लास है उसको हम लोग टिश्यू से ही क्लीन करते हैं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो फिश भी मतलब जो पानी हम लोग यहाँ पे कम किए है ना, वो भी बहुत ज्यादा कम नहीं किए है ना, क्योंकि फिश को भी सरवाइव करने के लिए थोड़ा पानी चाहिए, इसलिए 50% पानी टैंक से खाली किया है। कई लोग क्या करते हैं, पूरा पानी निकाल के पहले फिश निकालते हैं फिर पानी निकालते हैं, नहीं, दैट डिस्ट्रॉयज द बैलेंस। तो हम लोग यहाँ पर 50% पानी रहने देते हैं और फिर उसको साथ के साथ क्लीन करते हैं, ताकि फिश को जो एनवायरमेंट में, जिस एनवायरमेंट में वो रह रही है ना, तो वो उसको मिलते रहे। यहाँ से अगर आप देखिए ऊपर से बहुत सारी फिश दिख रही होगी, ऑरेंज है, ब्लू है, और एक रेनबो है, एक लेपर्ड, हाँ एक हमारी रेनबो भी है, एक लेपर्ड है, और यहाँ पे ये श्रिम्प है दो। ओके, लेपर्ड टाइप है एक्चुअली। या तो मैं इसको जूम करके दिखाऊंगी, अभी क्लीनिंग चल रही है इसलिए फिश को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनके पास कैमरा ले जाने से वो काफी स्ट्रेस में आ जाती है। अभी भी फिश का क्लीनिंग चल रहा है, पानी चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं पीछे, और काफी वक्त लगता है इसे, आई थिंक 2 घंटे लग जाते हैं इसे, मिनिमम 2 आवर्स तो लगता ही है। और हम लोग जो फिश टैंक है उसको कम से कम 15 दिन में एक बार अच्छे से क्लीन करते हैं, सो या ट्वाइस इन अ मंथ करते हैं उसे क्लीनिंग। सो मैं ये सोच रही थी कि फिश को पेट बोलते हैं या नहीं, आप लोग मुझे बताइए। बहुत लोग फिश को पेट मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। हम तो मानते हैं, हम मानते हैं, हमारी प्यारी प्यारी फिश है, हम इसे हमारे घर का फैमिली मेंबर, हमारा पेट मानते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए कि फिश को पेट मानना चाहिए या नहीं। और अगर आपके पास कोई पेट है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं या आप पेट रखना चाहते हैं, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। ये हीटर जो है
यहाँ पे जाके स्टिक को जाना चाहिए, बट ये इट्स अ कट, तो वो हमेशा फैल जाता था। और ये नज़ारा है अभी रात के टाइम, आज बारिश नहीं हो रही है यहाँ पर, काफ़ी सुंदर लगता है ये रात में भी। और ये नीचे एक्चुअली अभी ना, अगर आप देख पाए, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, ये स्नोमैन टाइप का दिख रहा है, क्यूट सा। तो ये हमारी बालकनी से एक घर है जो यहाँ दिखता है, और ये हमेशा थैंक्स गिविंग पर, अभी थैंक्स गिविंग आने वाली है यहाँ पर, और 28 या 29 तो इनका जो फेस्टिवल अभी स्टार्ट हो जाता है, ये जो क्रिसमस डेकोर एंड ऑल। तो ये देखिए, ये स्नोमैन उन्होंने इस बार बनाया हुआ है। सो ये काफ़ी क्रिएटिव है, और हमेशा अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ बनता है। लास्ट टाइम कुछ अलग था लाइटिंग का, और आज अगर आप देखें तो ये स्नोमैन दिख रहा है यहाँ पे, बहुत प्यारा लगता है ये। अभी मतलब आज बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, बियरेबल है, लेकिन यहाँ का वेदर बस ऐसे ही चेंज होता रहता है, कभी भी बारिश और कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। चलिए अब देखते हैं वहाँ पर कितना पानी ट्रांसफ़र हो चुका है हमारे फ़िश टैंक पे, और फिर मैं आपको सारे फ़िश के टाइप भी दिखाती हूँ, और वो क्या कर रही है वो भी दिखाती हूँ, फिर हम उन्हें फीड भी करेंगे। और ये सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, अभी हम लोग इसकी कटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किए हैं, अदरवाइज इसकी कटिंग करनी होती है। इसको हम लोग मोस्टली टैंक को ओपन ही रखते हैं अभी, तो ये ऊपर से अगर आप देखें तो काफ़ी सुंदर लगती है ये। बस यहाँ पर जो ये ब्लू एंड ऑरेंज और येलो वाला का जो ग्रुप है, ये लोग बस हमेशा इसी तरीके से साथ में दिखते हैं। जो यहाँ पर बबल्स दिख रहे हैं, ये एयर पंप की वजह से है, तो एयर पंप जो है वो वाटर में ऑक्सीजन ऐड करता है, जो कि हेल्पफुल है फिश के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ ताकि आप श्रिम्प देख पाएंगे। देखिए, तो हमारे पास दो श्रिम्प है और इनका खाना अलग है, ये देखिए। शुरू शुरू में हमें लगता था कि श्रिम्प और फिश एक साथ नहीं रख सकते, लेकिन कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब हमें होता है, वो होता है बॉटम फीडर, नीचे से खाना खाता है। अच्छा, वो बहुत अच्छा होता है एक्वेरियम के लिए, नीचे जितनी गंदगी है सबको साफ करता है वो। और चीज करने लगे हैं, अगर आप देखें यहाँ पे एक स्केल की तरह कुछ दिख रहा होगा आपको, तो ये हमारा टेम्परेचर स्ट्रिप है, और इसकी मतलब ये एक्सपायरी भी करती है, तो ये एक साल इसकी वैलिडिटी थी, अभी हो चुकी है, तो हम लोग इसको रिमूव कर रहे हैं। इसको रिमूव करके हम लोग नया वाला लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से इन सब के टाइप बताती हूँ। तो अभी ये वैसे तो ये छुप रही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप देखें ये वाली, तो ये जो है ये रेनबो है, ये रेनबो फिश है ये वाली, और अगर आपने देखा होगा ये ऑरेंज वाली इस साइड से, ये ऑरेंज वाली आई थिंक गप्पी ही है, मुझे इसका नाम नहीं पता, आई थिंक बस ऐसी, मैं तो इसको बस सनशाइन बोलती हूँ, क्योंकि इसका जो कलर है थोड़ा अच्छा दिखता है ऑरेंज ऑरेंज। और ये है लेपर्ड, जिसका थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है ना, ब्लैक एंड ऑरेंज वाला कॉम्बिनेशन।
तो वो है ये लेपर्ड गपी में ही है। तो सारी फिशेस हमारी गपी वाली ही हैं, गपी इनका टाइप है। तो जैसे ये ऑरेंज हो गया, ये जो ब्लैक वाली दिख रही है, ब्लैक ऑरेंज कॉम्बिनेशन, वो लेपर्ड वाली है। और ये जो क्यूट सी एंड बहुत सुंदर लगती है मुझे, ये ब्लू वाली, ब्लू एंड वाइट, वो है एक्लिप्स। ये एक्लिप्स है, एक्लिप्स गपी। और ये रही येलो एंड ब्लैक, ये है प्लेटी। तो यहाँ पर हमने फिश को खाना दे दिया है, श्रिम्प को भी खाना दे दिया है। आई होप आप लोगों को आज की वीलॉग अच्छी लगी। इन लोगों की पेट पूजा हो चुकी है, अब हम लोग जाएंगे खाना खाएंगे। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और फिश कैसी लगी, फिश के साथ मिलकर आपको कैसा लगा, और कौन सी वाली मछली, कौन सी वाली फिश आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और सबके अपने अपनी है ब्यूटी, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों को पेट कौन सा अच्छा लगता है और फिश को हम पेट बोलते हैं या नहीं, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। सो आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो, दिस वीलॉग। सो या अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में, कुछ नया करते हैं। तो स्टे ट्यून, बाय बाय।